गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे सभी? आज एडवांस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पर्सनालिटी पर आइसेंक थ्योरी। तो आइसेंक थ्योरी पर बात करने से पहले हम आइसेंक को जान रहे हैं कौन। तो हेंस आइसेंक, इनका नाम है असली हेंस आइसेंक। ये जो है जर्मनी में ये पैदा हुए और ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इनका जन्म 4 मार्च 1916 में बर्लिन जर्मनी में हुआ और इनकी डेथ जो है वो 4 सितंबर 1997 लंदन यूके में हुआ। इसके अलावा जो इनकी जो थ्योरी है, आइसेंक की जो थ्योरी है वो टाइप कम ट्रेट अप्रोच पर बेस्ड है। और थ्योरी ऑफ आइसेंक पर्सनालिटी थ्योरी, इसको हम दूसरे नाम इसका थ्री फैक्टर डायमेंशन भी है। तो एग्जाम में अगर ये आए थ्री फैक्टर डायमेंशन थ्योरी किसकी है, तो आप सर आइसेंक, हेंस आइसेंक का नाम आप पर आप टिक कर दीजिएगा। तो आइसेंक थ्योरी के अनुसार पर्सनालिटी जो है इन्होंने करीब तीन वर्गों में बांटी है, एक्सट्रोवर्जन, न्यूट्रोसिज्म और साइकोटिज्म। तो और हर एक को इन्होंने दो दो और भागों में बांटा है। एक्सट्रोवर्सन है तो दूसरा हमारा इंट्रोवर्सन होगा, न्यूरोटिसिज्म है तो स्टेबिलिटी है और साइकोटिसिज्म है तो सेल्फ कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोवर्सन या एक्सट्रोवर्सन पे। तो ऐसे लोग जो जिनमें शाइनेस, रिजिडिटी, परसिस्टेंसी और इरिटेबिलिटी हो, तो ऐसे लोगों को आइसेंक ने इंट्रोवर्जन में रखा है। ऐसे कई लोग हम लोगों के बीच में होते हैं, जैसे घर पे कोई मेहमान आया है ना, तो हम फेस नहीं करते, या छोटे बच्चे होते हैं वो शर्माते हैं, वो जाते नहीं हैं, उन्हें डर लगता है। अच्छा, अगर किसी अजनबी व्यक्ति से अगर हमें अगर हमारा परिचय कराया जाता है तो हम अनकम्फर्टेबल फील होते हैं, हम चिड़चिड़ा सा जो है हमारा व्यवहार हो जाता है, हम उससे बात करना नहीं चाहते, ठीक। तो ऐसे लोगों को आइसेंक ने जो है वो इंट्रोवर्सन में रखा है। वहीं इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो हमारा एक्सट्रोवर्जन, तो एक्सट्रोवर्जन में उन लोगों को रखा है जो समाज में घुल मिल कर रहते हैं, सोशलेबल हों, इम्पल्सिव हों, ऑप्टिमिस्टिक हों, आशावादी हों, है ना। इसके अलावा जो है आउटगोइंग, अर्थात कि बाहरी दुनिया में वो ज़्यादा रहें, मतलब अपने जो है समाज में खुद को मिला लें। ऐसे लोग जो हैं बहुत ही जो है हर कंडीशन में खुद को ढाल लेते हैं। इसके अलावा चूंकि वो समाज से जुड़े हुए होते हैं तो समाज के विभिन्न पहलुओं को वो समझते हैं, और जो है सामाजिक संस्थाओं, जैसे कुछ गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, कुछ सरकारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दूसरा हमारा आता है स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म। तो स्टेबिलिटी वाले जो नेचर के जो पर्सन होते हैं उनमें काम, इवन टेम्पर्ड, केयर फ्री और डिपेंडेबल, ये लोग इस तरीके के होते हैं। ये जो है शांत चित्त प्रवृत्ति के होंगे, ठीक। और जो है कठिन से कठिन काम को वो इजी वे में कर लेते हैं, ठीक। इसके अलावा गुस्सा भी अगर आएगा तो टेम्पर्ड ही रहता है, मतलब कि ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहती, अपने संवेगों पर तुरंत नियंत्रण कर लेते हैं। तो ऐसा तो हेंस आइसेंक ने ऐसे लोगों को जो है स्टेबिलिटी का नाम दिया है। दूसरा हमारा था न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में ऐसे लोगों को रखा गया है जिसमें जो 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 दुश्चिंता से ग्रसित होते हैं, एनेक्साइटी, मूडी है ना, टची, रेस्टलेस और एनक्शियस। तो ऐसे लोग जो मूड पर डिपेंड रहते हैं और टची, मतलब जो है मतलब जरा जरा सी बात भी उनको जो है वो टच कर जाती है, रेस्टलेस, बिना आराम के मतलब काम करें, तो मतलब चिंताओं से ग्रसित वैसे व्यक्ति जो है वो न्यूरोटिसिज्म के अंतर्गत इनको रखा गया है। तीसरा हमारा आता है साइकोटिसिज्म या सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर नियंत्रण, है ना। तो ऐसे लोग जो जिनका स्वयं पर नियंत्रण रहता है, सेल्फ कंट्रोल है ना, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, बोल्ड होंगे और जो है एम्पैथेटिक होंगे। तो दूसरा हमारा आता है साइकोटिसिज्म।
साइकोटिसिज्म में ऐसे लोग भी सर हैंस आइसेंक ने उन लोगों को उस कैटेगरी में रखा है जो इम्पल्सिव हों, ईगोसेंट्रिक हों, ऑपरेस्ट टू चेंज और इंसेंसिटिव। ऐसे लोगों को जो है, अब हम बात करते हैं अगर हमारा आता है पॉइंट कि न्यूरोटिसिज्म क्या होता है ना। तो न्यूरोटिसिज्म में जैसे इस तरीके के व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं, बिलो एवरेज, औसत से भी नीचे। इमोशनल कंट्रोल होंगे, विल पावर इनकी जो कैसे होगी, स्ट्रांग होगी, एंड कैपेसिटी टू एग्जर्ट सेल्फ, ठीक। स्लोनेस इन थॉट एंड एक्शन, किसी भी काम को सोचने विचारने में काफ़ी टाइम लेते हैं। सजेस्टेबिलिटी, लैक ऑफ सोशलिटी, मतलब समाज से दूरी बनाकर रखते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। और इसके अलावा सेंसरी एक्यूरिटी और बट हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन, है ना। समाज से भले ही ये लोग दूर रहते हैं लेकिन काम करने में अगर आएगा तो काफ़ी, मतलब जो है जो भी इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है वो बखूबी इनको निभाते हैं। साइकोटिज्म क्या है, पुअर कंसेंट्रेशन, ठीक। जो जो है इस इन लोगों का जो किसी भी काम को करने में जो अवधान है वो बहुत कमज़ोर होता है, महज। और जो स्मृति होती है, पुअर मेमोरी होगी, इनसेंसिटिविटी होगी, लैक ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति हमेशा जो है वो मतलब जो है लापरवाह रहेंगे, है ना। क्रुएलिटी, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना, ये ऐसे लोग जो है वो साइकोटिसिज्म से ग्रसित होंगे। इसके अलावा डिसरिगार्ड फॉर डेंजर एंड एंड कन्वेंशंस, ओकेजनली ओरिजिनेटेड एंड और क्रिएटिविटी, है ना। कि मतलब कि जो इनका जो नेचुरल बिहेवियर है या जो इनके अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है वो ओकेजनली ही रहती है ना। कि जरूरत पड़ने पर ही ये लोग, मतलब कभी भी कुछ कह नहीं सकते कि कभी भी जो लोग बहुत एक्टिव भी हो जाएंगे, काम बहुत अच्छा करेंगे, और कभी कभी क्या होता है कि एकदम काम बिल्कुल बेकार सा करने लगे हैं, ठीक। इसके अलावा लाइकिंग फॉर अनयूजुअल थिंग्स, कंसिडरेशन पिकुलर बाई अदर्स। तो न्यूट्रोटिज्म में हमने जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले क्या, अनएक्साइटी, एंगर, डिप्रेशन, सेल्फ कॉन्सनेस, इमोड्रेशन और वैल्यू निरेबिलिटी, ये जो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ऐसे लोग जो अपने अनुभव को खुलकर साझा करते हैं, है ना। और कंसिस्टेंसनेस और एक्सट्रावर्जन, एक्सट्रावर्जन वाले वैसे लोग जो सोशिएबल हों, एग्रीएबलनेस यानी टॉलरेंस, न्यूट्रोटिज्म यानी स्टेबल। तो ये जो सर हैंस आइसेंक की जो थ्योरी है जी, इसमें कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप समझ में आए होंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा, आई थिंक की थ्योरी में आप नोट डाउन उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम एक नई थ्योरी पर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।